हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को घर में पेडिक्योर करने की बहुत ही इजी रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही इजी मेथड से आप लोगों को मैं पेडिक्योर करना बता रही हूँ। पार्लर जाके ये होता है कि हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं और बहुत ही वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और ये कि टाइम भी हमें अलग से चाहिए होता है। आज जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ, इसमें आप घर के माहौल में बैठ कर पुरसकून तरीके से अपने पैरों का पेडिक्योर कर सकती हैं, और इसका रिज़ल्ट भी 100% होता है। मैं खुद भी इसी तरह से पेडिक्योर करती हूँ। आप 15 दिन में एक दफ़ा इस पेडिक्योर को करके देखिए, इंशाल्लाह ताला आपके पैर बहुत ही क्लीन और बहुत ही हेल्दी रहेंगे, और आपके पैरों की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ लेमन, और मैं ले रही हूँ कोई सा भी आप शैम्पू ले सकते हैं। मैं हेड एंड शोल्डर ले रही हूँ, और मैं ले रही हूँ स्क्रब क्रीम। ये बहुत अच्छी होती है, इससे आपके पैर जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। मैं भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ। और ये नेल कटर है, और ये लोशन है, आप कोई सा भी लोशन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा लोशन है, इससे आपके पैर और हाथ बहुत नरम से हो जाते हैं। और मैं ले रही हूँ ब्रश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है वार्म वाटर, ये हल्का गरम वार्म वाटर है। अब सबसे पहले मैं अपने पैरों की नेल पॉलिश हटा लूँगी, तो मैंने हटा ली है। अब मैं अपने नेल्स कट कर लूँगी। मैंने अपने नेल्स कट कर लिए हैं। अब मैं इसको शेप दूंगी। आप अपनी मनपसंद से कोई सा भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने अपने नेल्स को अच्छी तरीके से शेप दे दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी। तो दूसरा पार्ट ये है कि आपको एक वार्म वाटर ले लेना है, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी शैम्पू। आप थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर दें इसमें, और इसमें मैं लेमन के चंद ड्रॉप्स ऐड करूंगी। तो मैंने इसमें लेमन के चंद ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। अच्छी तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है, शैम्पू और लेमन को। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने इसमें पैर ऐड कर दूंगी। तो इसको 6 मिनट तक मैं इसमें रखूंगी। तो मैंने इसको 6 मिनट तक इसमें रख लिया है, और अब मैं एक ब्रश का यूज़ करूँगी। ब्रश से अच्छी तरीके से मैं अपने पाँव को मलूंगी, अपने नेल्स को भी अच्छी तरीके से रब करूँगी इस ब्रश की हेल्प से।
अब मैं अपने दोनों पैरों को अच्छी तरीके से साफ कर रही हूँ और अपने नेल्स को भी अच्छी तरीके से रब कर रही हूँ। तो मैंने अपने पैरों को अच्छी तरीके से ब्रश से साफ कर लिया है। तो मेरे ब्रश से अच्छी तरीके से मैंने अपने पैरों को साफ कर लिया है। अब मैं इसमें डिप रख कर रखूंगी। अब मैं टॉवल से अपने दोनों पैरों को अच्छी तरीके से साफ कर लूंगी। अब तीसरा पार्ट ये है कि ये मैं ले रही हूँ स्क्रब क्रीम। ये बहुत अच्छी होती है आप लोगों के पैरों के लिए। इससे आपके पैर बहुत 100% साफ हो जाते हैं। और अब मैं अपने हाथ में इस तरीके से क्रीम निकाल रही हूँ। इसको अपने हाथों में अच्छी तरीके से मलना है और अपने पैर में अच्छी तरीके से मलनी है। Thank you.
हमें नेल्स को भी अच्छी तरीके से क्रीम से साफ करना है, इससे आपके नेल्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं अच्छी तरीके से स्क्रब लगा रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी थोड़ा सा स्क्रब और ले रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से अपने हाथ में मलना है और दूसरे पैर में भी लगाना है ऐसे ही। वॉश करके आ जाऊंगी। तरीके से अपने पैरों को वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से। अब मैं टॉवल से इसको अच्छी तरीके से साफ कर लूंगी। आपको मेरे पैर अच्छे लग रहे होंगे, साफ लग रहे होंगे और नरम भी लग रहे होंगे। और अब मैं फोर्थ पार्ट ये है कि आपको लेमन का यूज करना है और लेमन से अपने मैं नेल्स को अच्छी तरीके से स्क्रब करूंगी। और मैं अपने पैरों को भी अच्छी तरीके से लेमन की मदद से साफ करूंगी, क्योंकि लेमन हमारे हाथों और पैरों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे हाथ और पैर साफ भी हो जाते हैं और नरम भी हो जाते हैं। इससे हमारे नेल्स भी
शाइन हो जाते हैं। अब मैं अपने दूसरे पैर को भी अच्छी तरीके से साफ करूंगी। अब मैं इसको दोबारा से वॉश करके आ जाऊंगी। और मैं अब टॉवल से अपने पैरों को रब कर लूंगी। अब मैं ले रही हूँ लोशन। इससे हमारे पैर जो होंगे वो नरम से हो जाएंगे। इसको मैं अच्छी तरीके से लोशन को अपने दोनों पैरों में लगा लूंगी। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, आपने देखा कि मेरे पेडिक्योर के इजी मेथड से इनके पैर कितने क्लीन हो गए, कितने साफ हो गए आप देख सकती हैं। आप देख सकती हैं कितने क्लीन लग रहे हैं, कितने साफ लग रहे हैं। तो आप ज़रूर मेरे इस मेथड को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरा पेडिक्योर का मेथड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमेशा ज़रूर देती रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस लेके आती रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।